तो हमें क्या देखना है अब, स्टेबिलिटी क्या देखेंगे हमने इसकी स्टेबिलिटी, आपने देखा होगा कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी थी वो हमने इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखी थी। अब अपन इसकी स्टेबिलिटी किससे देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी। जब तक आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का पैटर्न पता नहीं था तब तक आप कैसे सोल्व कर पाओगे, लेकिन आज की तारीख में आप हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ पा रहे हो, उससे डील कर पा रहे हो, तो उसकी स्टेबिलिटी हम किससे निकाल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी। यहाँ पर इस CH3 का मैंने आपको बताया था क्या लगता है भाई, यहाँ पर प्लस H लगता है, यहाँ पर भी क्या लगता है प्लस H, इसका भी क्या लगेगा प्लस H, ये आपको पता होना चाहिए। इस CH3 का भी क्या लगेगा प्लस H, यहाँ पे भी क्या लगेगा प्लस H, यहाँ पे भी क्या लगेगा प्लस H। यहाँ पर स्टेबिलिटी के सेंस में मैंने ये भी बोला है कि नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, यस या नो। तो इस तरफ जाने पर तुम्हारे पास में नंबर ऑफ अल्फा एच क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, यस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के बिहा पे भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। ये बना लीजिए, मेंशन कीजिए इसको फटाफट। ठीक है, फ्री रेडिकल की भी ऐसी स्टेबिलिटी होगी, पर सबसे पहले तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। कार्बोकेटाइन की होगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी देखिए, अब आप सेम वो का वो ही पैटर्न होगा यहाँ पर। यहाँ पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, देखो ये भी काउंट करना आना चाहिए, नंबर ऑफ अल्फा एच है 3 अल्फा एच, यहाँ पर कितने हैं 6 अल्फा एच। देखो कैसे काउंट करोगे, जिस कार्बन पे रेडिकल है उस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करने, उसके एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कितने होंगे 9 अल्फा एच, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये ऑर्डर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ये भी बना लीजिए। बना लिया होगा, अब मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यहां पर समझना इसका कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान देना कि जो तुम्हारे पास में कॉन्जुगेट एल्कीन है ना, कॉन्जुगेट जो एल्कीन है, कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, नॉन कॉन्जुगेटेड से। आईवासन में कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि ये कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेट एल्कीन, आईवासन में डबल सिंगल और डबल बॉन्ड, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एल्कीन। कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल फिर डबल बॉन्ड, इसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे। नॉन कॉन्जुगेट एल्कीन के अंदर फिर आप देखोगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीजेज। अब मान लीजिए तुम्हारे पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो, मैं क्या बोलूँ, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, ये यदि सेम हो गया तुम्हारे पास में, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, सेम हो, तो फिर यहाँ पर क्या देखोगे, अनसिमेट्रिकल एल्किन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, अनसिमेट्रिकल एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगी किससे भैया, सिमेट्रिकल एल्किन से। आई बात समझ, सिमेट्रिकल एल्किन से ज़्यादा स्टेबल होगी, अनसिमेट्रिकल ज़्यादा स्टेबल होगी किससे, सिमेट्रिकल से। फिर सिमेट्रिकल में भी हम बात करें नीचे और डाउन तक जाएं तो यहाँ पर ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा अभी मैं एग्जांपल लेके, पहले तो एक बार इसको बना लीजिए आप लोग। चलिए अपन आगे, अब मैं एक एग्जाम्पल के भी आप सीन को समझाता हूँ आप लोगों को समझना। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास में है CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH3। आप यहाँ देखिए कि क्या कॉन्जुगेशन है क्या नहीं है, सारे के सारे नॉन कॉन्जुगेशन है। यस, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, यहाँ 0 अल्फा H, या मैं कह सकता हूँ 9 अल्फा H, 9 अल्फा H। यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं, देखो इस एल्कीन से एडजेसेंट कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ, CH3। इन हाइड्रोजन को काउंट मत कर लेना, जो साइट है तुम्हारे पास में कार्बन कार्बन, यदि इस पर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना है विशेष। इसके एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन, इनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके ऊपर अपन बात करें तो यहाँ है 3 अल्फा H। तो इस एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पर देखो ये तो तुम्हारे पास में साइट होगी, तो अल्फा एच कितनी है, 6 अल्फा H, और नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, यही तो है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, देखो ये साइट हो गई, ये कितने हो गए, 6 अल्फा H, यहाँ पे भी कितना हो गया, 6 अल्फा H, काउंट कर लो 6 अल्फा H, यहाँ पे भी 6 अल्फा H। तो नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज होने सेम होने पर हम क्या देखेंगे कि जो अनसिमेट्रिकल है, ये है अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ये ज़्यादा स्टेबल होगी,
आई बात समझ। तो इसको एक नंबर, ये दो नंबर का एग्जांपल है, ये तीन नंबर का, फिर सी वो दोनों सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर एक नंबर, फिर तीन नंबर और फिर दो नंबर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना लीजिए आप लोग। आगे बात समझ। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उनको भी सोल्व कीजिए आप लोग। देखिए एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, अभी यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाइज पूछूंगा मैं आप लोगों से। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ अल्फाइज काउंट करने आने चाहिए, आई बात समझ में। विदाउट नंबर ऑफ अल्फाइज आप उसकी स्टेबिलिटी से डील नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में। यहाँ सब में देखो कॉन्जुगेशन मिल रहा है। नंबर ऑफ अल्फाइज का मतलब क्या हो गया भाई, बात को समझना। यदि मैं इसमें ये बोलूँ कि ये तो और यहाँ पर हो सी एस थ्री, तो देखिए ये इस एल्कीन का स्केलेटन हुआ कि नहीं हुआ। इस एडजेसेंट कार्बन पे कौन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस पर कितनी अल्फाइज हुई, तीन अल्फाइज हुई। ऐसे ही मैं यदि इसमें बात करूँ तो समझना बात को, फिर समझ में नहीं आएगी आप लोगों को नहीं तो। इस कार्बन के जहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, यहाँ से एडजेसेंट कार्बन कौन है, ये वाला, और इसमें एडजेसेंट कार्बन कौन है, ये वाला, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस या नो। तो इसके रेस्पेक्ट में कितनी अल्फा है, दो। इसके रेस्पेक्ट में कितनी अल्फा है, दो। टू प्लस टू कितनी हो गई, फोर। तो यहाँ है फोर अल्फा एच। इसमें देखिए इसके केस में भी सेम फोर तो ये होगी इस एल्कीन के एडजेसेंट कार्बन पे, यानी कि इधर सी एस थ्री तो जुड़ा हुआ है, तो फोर प्लस थ्री कितने हो गई, सेवन अल्फा एच हो गई। यहाँ पे भी देख लीजिए ये वाला स्पेक्ट्रम तो सेम मिल रहा है, तो सेवन प्लस थ्री कितनी हो गई, टेन अल्फा एच हो गई। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये बना लीजिए इसको भी। बना लिया। अब यहाँ पर मेंशन कीजिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सी एस थ्री एंड सी सी एल थ्री। एक अपने को समझना, ये एप्लीकेशन पार्ट हुआ। एक इस पॉइंट को ज़रूर हमें समझना होगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सी एस थ्री एंड सी सी एल थ्री। मेंशन कीजिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस
डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सी एस थ्री एंड सी सी एल थ्री। आई बात समझ, इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमें देखना है। तो ये जो है तुम्हारे पास में, मान लीजिए कौन है यहाँ पर जुड़ा हुआ हो, सी एस थ्री, तो इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यानी कि डायरेक्शन तुम्हारे पास में इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सी एस थ्री कहाँ पर जुड़ने देगा अपने, किस प्रभाव की, किस इफेक्ट की वजह से, प्लस एच की वजह से, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। आई बात समझ, ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है? पहले ये बना लीजिए, फिर इसको प्रूफ कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कैसे हुआ देखना इसको। ये है भी। इसमें क्या हुआ बात को समझना आप, देखो कि क्या ये स्केलेटन इस टाइप का है क्या, बात को समझना, जिसमें क्या मैं इस स्केलेटन को ऐसे लिख सकता हूँ, समझना बात को, यस एंड। और इस स्केलेटन को और तरीके से लिखूँ तो थोड़ी देर पहले अभी आपने एस इसमें ही तो पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इसके अंदर? यस पढ़ा था आप लोगों ने। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको सारे को मैंने क्या किया आप लोगों के सामने, ऐसे क्या कर दिया इसके ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया है, तो ये जो स्केलेटन इतना सा बना वो यही तो है। तो इसके अंदर जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन आप देखते थे तो कैसे देखते थे, ये इधर आता था इलेक्ट्रॉन, ये इस तरफ जाता था। तो इसमें भी देखना कि आप लोगों के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो यहाँ जो बेंजीन में ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर, और आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अपने आप ही क्या कहलाएगा, आप लोगों को पता है, आई बात समझ, ठीक है? बाकी फिर चलने दीजिए इसमें आगे, ये नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ पे, ये पेरा पे नेगेटिव आ गया। जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव है। लो भैया, इस पूरे प्रोसेस से आप ये समझ सकते हो कि सी एस थ्री जो है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच लगेगा और वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होगा। बना लीजिए एक बार इसको,
आगे चले अपन। आगे देखिए इसमें CCl3 का भी देखते हैं। CH3 बेंजीन पे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। CCl3 का केस भी देखिए। इसके ऊपर अपन बात करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो CCl3 है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। और इसको भी मैं अभी समझा देता हूँ एक बार, तो आप बना लीजिए ये मेटा डायरेक्टिंग है। क्यों है मेटा डायरेक्टिंग वो भी देखना। इस पूरे केस को भी आप जानते हो, यहाँ क्या होगा कि ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया। ये जैसे ही अपने साथ ले गया तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर। जैसे शिफ्ट होंगे तो आप क्या देखोगे, आइबासन में यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप क्या देखो कि ऑर्थो एंड पेरा पे कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे एक बात बताना कि क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यदि आ रहा है तो उसको तो वैसे ही क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, तो वो ऑर्थो और पेरा पे क्यों चुनना चाहेगा, क्योंकि वहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कम है तो वो तो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि मेटा के ऊपर क्या नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। ये बना लीजिए, ये भी मैंने सोल्व कर दिया डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस CH3 एंड CC3 का भी। चले नेक्स्ट मेंशन करना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ CH2Cl एंड CHCl2। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ CH2Cl एंड CHCl2, इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देख लेते हैं अपन। अरे बात समझ में, तो आप मेंशन कर लेना CH2Cl एंड CHCl2 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। CH2Cl एंड CHCl2 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऐसा क्यों है समझना बात को। CH2Cl वाला केस ये है, यदि मैंने यहाँ पर प्लस H शो किया तो प्लस H में क्या होगा,
प्लस एच यदि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखना क्या है कि प्लस एच का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ गए, यस या नो? तो तुम्हारे पास बना क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ नेगेटिव, ये यदि माइनस एच यहाँ पर शो किया तो माइनस एच कौन कर सकता है, ये वाला, ऐसा। और ध्यान देना ऐसा स्केलेटन कभी भी नहीं बन पाएगा भाई, ये ज़्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है, तो आप कौन सा बनाना चाहोगे, आप ही बता दो क्या बनाना चाहोगे। या मैं कह दूँ इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ और अलग तरीके से समझा सकते हैं इसको, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये प्लस एच जब दे आई बासन में तो यहाँ पर है सी एल, यहाँ पर है एच, यहाँ पर है H प्लस, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। माइनस H जब ये देगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है H, H, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और ये Cl माइनस। आप मुझे बताना कि ये इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ये नेगेटिव है इस Cl माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये क्या पॉजिटिव स्टेबल हो पा रहा है कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, बात समझ में, ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये जो कार्बन पे Cl है इसकी प्रेजेंस की वजह से नेगेटिव यहाँ स्टेबल है, इस वजह से ये कभी भी मत करना, ये तो होगा ही नहीं। बना लो, एक तो इसका बना लीजिए आप लोग, आगे चले। अब देखते हैं किसकी बार, किसके बारे में देखेंगे, अब अपन बात करते हैं किसकी, सी एच सी एल टू की, वो भी ऑर्थो एंड पैरा ही होगा। यहाँ पे यदि तुमने इसको प्लस एच करवाया तो प्लस एच कौन देगा, ए हाइड्रोजन वाला, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव किसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, सी एल सी एल की वजह से। इसी के अंदर यदि आपने क्या करवाया, माइनस एच करवाया, माइनस एच में होगा क्या, यहाँ पॉजिटिव आएगा Cl- आएगा, और इस क्लोरीन की वजह से ये पॉजिटिव क्या हो गया, अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, अरे बात, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कभी भी मत करवाना, ओनली यहाँ पे भी प्लस H लगेगा। क्योंकि इसमें ये जो नेगेटिव है वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ही यहाँ पे, तो ये घटा देगा, इस वजह से स्टेबिलिटी के बिहाफ पे यही प्रोसेस होगा, ये वाला मत करवाना, इसको भी बना लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे रेजोनेंस की।
किसके बारे में चर्चा होगी? रेजोनेंस के बारे में चर्चा होगी। कंप्लीट रेजोनेंस की अपन बात करेंगे, उसी के साथ में तुम्हारा जीओसी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ में जो जनरल जनरल जो ऑर्गेनिक है वो कंप्लीट हो जाएगी। इतना जीओसी आपको बताने के बाद में फिर अपन मूव करेंगे चैप्टर वाइज, अपन यूनिट वाइज अपन इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अरे बस, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम रेजोनेंस की बात करेंगे।